हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ लिरिक्स प्लस आप जो है मून कैसे एडिट कर सकते हो, अपनी वीडियो पे ऐड कैसे कर सकते हो। गाइस, इस टाइप की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, प्लस ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है गाइस, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इसको बनाने के लिए गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीड एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आपको, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ हम नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से गाइस अपनी वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से हम लोग जो है अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आपको सेलेक्ट हो जाने के बाद गाइस आपको एरे वाले ऑप्शन क्लिक करके अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। सिंपली गाइस लास्ट में जाना है, यहाँ पे ब्लैक वाले बैकग्राउंड को इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट हो जाने के बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, इसको गाइस हम लोग जो है थोड़ा इसको कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है 10 सेकंड के आसपास रखना, और बाकी इस तरह वीडियो को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओके गाइस, इतना हो जाने के बाद गाइस हमें करना क्या है, एक बार प्ले करके चेक कर लेना है। यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद गाइस हमें करना क्या है, एक जो है मून वाली वीडियो ऐड करना है, ठीक है। मून वाली वीडियो ऐड करने के लिए टैप टू ऐड स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस वीडियोस फोटो में जाएंगे, ठीक है। और गाइस, सारे मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाइए वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से है मून वाली जो हमारी वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से एडजस्ट करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमें रिसाइज करना है, तो इसको गाइस करने के लिए यहाँ पे आपको क्रॉप ऑल ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कौन सा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से गाइस हमने 9.60 पे कर लिया है क्लिक। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है, लेकिन गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा थोड़ा मून है, हल्का स्कट रहता है। यहाँ से फिर से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़े बीच में ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद गाइस यहाँ से आपको जो है साइज़ को फुल रख लेना है, जहाँ तक आपका स्काई है वहाँ तक आपको रख लेना है। तो यहाँ तक हमारा परफेक्ट तरीके से मैच हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस इसके बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, यहाँ पे हमारे वीडियो आ चुका है, तो यहाँ पे गाइस हमारे नीचे वाले वीडियो है उस पर क्लिक करेंगे, और इसको गाइस हमें डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टैप करने पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस इसको ऊपर लेके जाना है हमें, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड का, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो ऊपर चली जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर ऊपर आ चुकी है। इसके बाद गाइस इस पर क्लिक करके आपको कुछ इस टाइप से गाइस आपको ऊपर लेके जाना है, मतलब जो है फ्रंट पे लेके जाना है सबसे ऊपर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारी वीडियो आ चुकी है। इसके बाद गाइस लास्ट में जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड बचेगा फिर से इसको डिलीट कर देना है आपको, रखना नहीं है इसको। ओके, इतना हो जाने के बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, हमने जो अभी वीडियो कॉपी की है, डुप्लीकेट की है, उसको गाइस हमें फुल साइज करना है। तो यहाँ से गाइस हम लोग डायरेक्टली फुल साइज़ करेंगे तो अच्छे से एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से फिल जो लिखा हुआ है ना वहाँ पर क्लिक करके एडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल बराबर बैठेगा एकदम। तो कुछ इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पे हमारा पूरे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद गाइस फिर से जो है हमारे कॉपी वाले लेयर पे क्लिक करेंगे गाइस, और यहाँ से गाइस हमें कर देना है क्रोमा, ठीक है। क्रोमा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस यहाँ पे स्काई भाग है आपको, जहाँ से आप लोग जो है अपना बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं वहाँ पर आपको लेके जाके यहाँ पर छोड़ देना है, और यहाँ से गाइस स्प्लिन को गाइस आपको पूरा माइनस पे लेके जाना है, और यहाँ पे गाइस अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो वीडियो देख सकते हो कुछ इस टाइप से बन चुका है। तो इसके बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, एक और बात गाइस, यहाँ से हमें जो है हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बराबर नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस एडजस्ट करने के लिए करना क्या है गाइस, आपको जो है गाइस आपको नीचे में एक फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा फ़िल्टर वाला ऑप्शन गाइस, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से गाइस आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा मून है, हमें जो है नाइट का मोड दिखाना है, तो यहाँ पे गाइस थोड़ा जो है हमारा जो है ब्राइटनेस को थोड़ा कम ही रखेंगे तब ठीक रहेगा, क्योंकि गाइस जो हमारा मून है नाइट मोड है, ठीक है, नाइट मोड है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको ब्राइटनेस को आप लोग कम रखिएगा अपने मॉडल के, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा टिंट को आपको माइनस पे लेके जाना है। कुछ शेप से हमारी वीडियो बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ से सिंपली अपने को कर देना है एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। आपको 100 होने तक वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा हो जाने के बाद गाइस यहाँ से बैक करके आपको प्रिक्वेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो कि गाइस आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, वहाँ आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे गाइस हमारा प्रिक्वेल एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से गाइस आपको करना क्या है, आपको नीचे वाले में नीचे में जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइस अपने जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, एडिट किया है, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ऑटोमेटली इंपोर्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा वीडियो ऐड हो जाने के बाद। यहाँ पे गाइस आपको नीचे में जो फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है इफेक्ट के, उस पर गाइस आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से गाइस आपको ट्रेंडिंग पे ही मिल जाएगा एक फ़िल्टर, ठीक है, ये देख सकते हो ब्लूबेरी, इस पर गाइस आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस इसको यहाँ से आपको जो है देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ चुका है हमारे वीडियो में। इसके बाद गाइस यहाँ से आपको क्लिक करके एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से, ओके। तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको ऐसे ही आगे लेटेस्ट वायरल ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। हो जाने के बाद गाइस हमें करना क्या है, यहाँ पे गाइस आपको नीचे में एडजस्ट ऑल ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइस आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। ध्यान देंगे गाइस, यहाँ पे आप लोग स्किप करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे हिसाब से, क्योंकि गाइस जितना अच्छा आप लोग जो है अपनी वीडियो का एडजस्ट करोगे उतना अच्छा आपको जो है वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मेन चीज़ है, यहाँ पे आप लोग जितना आप लोग एडजस्ट करोगे उतना ही आपका जो है वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ेगा गाइस। और गाइस कुछ इसी टाइप से वीडियो आप लोग भी बनाकर अपने रील्स को वायरल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना ज़रूर। तो यहाँ से गाइस हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम है एडिटिंग लोकेश और आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, ठीक है। और गाइस सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, यहाँ से गाइस आपको नेक्स्ट करके एक्सपोर्टिंग कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो है एक्सपोर्टिंग होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको 100 होने तक वेट करना पड़ेगा, या फिर आप लोग जो कि यहाँ से बैक कर दोगे बोर होके तो यहाँ पे गाइस जो है आपकी वीडियो है सेव नहीं होगी, ठीक है। तो आपको 100 होने तक वेट करना पड़ेगा, तो वेट करते हैं। तब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाओ, वहाँ पे लोकेश एडिटिंग लिखा हुआ है, उसको फॉलो कर लो, ठीक है। आपको कोई सा भी क्वेश्चन या फिर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, या फिर आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। गाइस मैं नेक्स्ट डे उसका ट्यूटोरियल लाने का जो है कोशिश अवश्य करूँगा, पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमें वीडियो सेव कर लेना है हमारा 100 हो जाने के बाद गाइस, ठीक है। और यहाँ से सिंपली आपको जो है सेव हो जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको राइट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो है बैक आ जाते हैं, और यहाँ से गाइस आपको फिर से जो है वी इन एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। वी इन एडिटर एप्लीकेशन को फिर से आपको रीओपन करना है, फिर से आपको जो है गाइस प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से गाइस आपको फिर से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ से गाइस पहले एक लिरिक्स को ऐड करना है, मतलब सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद गाइस जो हमने अभी वीडियो एक्सपोर्ट की है, ठीक है, उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस आपको एरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। फाइनली गाइस हमारी वीडियो ऐड हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, फिर से ब्लैक वाले बैकग्राउंड को डिलीट करेंगे, और यहाँ पे गाइस हमें मेन करना क्या है, यहाँ पे गाइस हमें म्यूजिक ऐड करने हैं। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए गाइस आपको टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से गाइस आपको ऊपर में प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके इफेक्ट और फ्रॉम वीडियोस पे क्लिक करके यहाँ से गाइस जिस वीडियो में म्यूजिक है उसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस मैं इसका म्यूजिक है आपको कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पे मेरे दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ। इसके बाद गाइस यहाँ से म्यूजिक को यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा म्यूजिक आ चुका है, तो यहाँ पे एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। लेकिन गाइस आपको जो है म्यूजिक तो सुना नहीं सकता, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने रिव्यू में देख लिया होगा, यही वाला रील है, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ कमेंट में बताना ज़रूर। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा हमें ग्लिच देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस इसको आप लोग एक्सपोर्ट करोगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके बताना जरूर। गाइस आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, गाइस मून वाली PNG को ढूंढते ढूंढते बहुत ही टाइम हो गया था, इसकी वजह से गाइस मुझे इतने टाइम मतलब इतना लेट हो गया वीडियो डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम लोग जो है एनिमेशन ऐड कर लेते हैं जूम वाला, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से आपको फ्रंट पे एक इफेक्ट्स का यूज़ करना है, तो यहाँ से गाइस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस आपको कोई सा भी इफेक्ट्स यूज़ कर लेना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग यूज़ कर लेते हैं जूम आउट, ठीक है। और गाइस इसके साइज़ का आपको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। इसके साइज़ को आप लोग जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद गाइस आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा हमारा ग्लिच हो रहा है, ठीक है, तो इस पर ध्यान ना दें,
तो यहाँ से गाइस मैं म्यूजिक को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ इस टाइप से है, लेकिन गाइस थोड़ा अभी गिली छो रहा है अभी भी, लेकिन गाइस इसको आप लोग जो है एक्सपोर्ट करेंगे अपनी वीडियो को तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी अटक रहा है, लेकिन जो है आप लोग जो है कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है वीन एडिटर में। इसके बाद गाइस हमें करना क्या है, गाइस हमारी वीडियो बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ से सिंपली अपने को एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारी वीडियो सेव होने लगेगी। ओके गाइस, मिलता है किसी नेक्स्ट वाला ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।